कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से करीब 30 किलोमीटर दूर एलोरा वेरूल की अति प्राचीन गुफाओं में स्थित है श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिश्य क्षेत्र मंदिर। अपनी कलात्मक आकृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध एलोरा की ये 34 विशाल प्राचीन गुफाएं अनगिनत विरासतों को अपने अंदर सजोए हुए हैं और यहीं पर सनातन धर्म के भगवान शिव का 12वां एवं अंतिम ज्योतिर्लिंग श्री विश्वेश्वर स्थापित है। तो वहीं पहाड़ पर अति प्राचीन गुफा में विराजमान है भगवान पार्श्वनाथ जी की विश्व प्रसिद्ध 950 वर्ष प्राचीन 17 फीट उत्तुंग अद्भुत अतिशयकारी प्रतिमा। अद्भुत आभा बिखेरती प्रभु पार्श्वनाथ की इस पद्मासन प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मान्यता है कि 9 फड़धारी प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा सन 1234 में दानवीर चक्रेश्वर द्वारा की गई थी। इस पावन क्षेत्र में विशाल गुरुकुल हथकरघा एवं गौशाला के साथ साथ एक सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री आर्यनंदी जी महाराज और नगर गौरव मुनि श्री समर्पण सागर जी महाराज की प्रेरणा से प्राचीन भारतीय प्रणाली पर आधारित संचालित इस गुरुकुल में बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। भारतीय संस्कार भी दिए जा रहे हैं। बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से लौकिक शिक्षा के साथ वर्तमान में यहाँ पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज का भव्यतिभव्य पावन वर्षा योग 2023 चल रहा है। पूज्य मुनिद्वय के सानिध्य में प्रतिदिन मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु का अभिषेक शांति धारा की जा रही है। आप भी तीर्थ पर पधारकर या ऑनलाइन माध्यम से मात्र 5100 रुपए की राशि देकर मुनिद्वय के मुखारविंद से रिद्धि मंत्रों के साथ शांति धारा एवं वर्षा योग कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करें और क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं में आप अपना सहयोग प्रदान कर अपने पुण्यों कर्मों में वृद्धि करें। निगडेरपीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसते परमादि देवम त्वां सीय कल्मषोन्मति नाय देव। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं अं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रेन्द्रं करोमीं स्वाहा। नमो रंताड़ नमो सिद्धाड़ नमो आर्याड़ नमो वज्रायाड़ नमो लोय सभ्यसाड़ ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा सेनाधिपतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विनाशनाय सर्वग्राह प्रतिविनाशनाय सर्व पक्षुद्रनाशनाय सर्वक्षाम रानुनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रोम रे ऐसी औसा नमः सर्व शांतिम तुष्टि पुष्टिम च ओम रूम छुम कीटिम कीटिम जाते जाते पर विद्ना स्फोटे स्फोटे शैतान चिंतन पर मंत्रान बिन बिन छाम छ रूम पट सर्व शांतिम ओम रीम श्रीम क्लीम रमसी औसा अनायत विद्याय नमरिंता सर्व शांतिम ओम ऐ राम श्री रीम आरूम उरूम सारे जटा बल नाचनाय रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम ओम रीम श्री शांतिनाथाय असोत्तर सत प्रार्थी अरमणताय असोत्तर सत प्रार्थी अर समुदाय रम 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 बीजाय सर्वपदर शांति का नमः सर्व शांतिम ओम रीम श्री शांतिनाथाय स्वरूप पुष्प सत प्रार्थी अरमणताय स्वरूप पुष्प सत प्रार्थी समुदाय रम 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 बीजाय सर्वपदर शांति का नमः सर्व शांतिम ओम रीम श्री शांतिनाथाय द्विविधन सत प्रार्थी अरमणताय द्विविधन सत प्रार्थी अर समुदाय मम रम रम बीजाय सर्वपदर शांति का नमः सर्व शांतिम ओम रीम श्री शांतिनाथाय चामृतम सत प्रार्थी अरमणताय चामृतम सत प्रार्थी अर समुदाय रम 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 बीजाय सर्वपदर शांति का नमः सर्व शांतिम ओम रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रार्थी अरमणताय सिंहासन सत प्रार्थी अर समुदाय रम 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 बीजाय सर्वपदर शांति का नमः सर्व शांतिम ओम रीम श्री शांतिनाथाय बामन सत प्रार्थी अरमणताय बामन सत प्रार्थी अर समुदाय जम रम रम बीजाय सर्वपदर शांति का नमः सर्व शांतिम ओम रीम श्री शांतिनाथाय बंधुवी सत प्रार्थी अरमणताय बंधुवी सत प्रार्थी अर समुदाय शम रम रम बीजाय सर्वपदर शांति का नमः सर्व शांतिम ओम रीम श्री शांतिनाथाय
छत्र सत्प्रार्थी अर्पण थाय छत्र सत्प्रार्थी अर्पण थाय कमलम ने बी जाए सर्व शांति सर्व शांति ओम श्री शांति नाथाय प्रार्थना चैताय बीजाष्टम वणताय सर्व शांति सर्व शांति ओम ह्रीम अरुणमोजनाणम ओम ह्रीम अरुणमोहिजीर्णाणम ओम ह्रीम अरुणम परमहिजीर्णाणम ओम ह्रीम अरुणम सुब्बुहिजीर्णाणम ओम ह्रीम अरुणम अनंतहिजीर्णाणम ओम ह्रीम अरुणम कोटिबुद्धिणम ओम ह्रीम अरुणम बीजबुद्धिणम ओम ह्रीम अरुणम पादानुसारिणम ओम ह्रीम अरुणम भवदो मादिमाविर्वड्डमासि सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो भवदो वड्डमान शरीरस्य चक्रं जलं तं गच्छै आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जीवा विवादिवा रणाण्यवा थमणिवा मोहणिवा सवजीव सतन अपराध बौद्ध में रखे रखे तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राज्य के पद भ्रष्टोदारी सचर पर चक्र बौद्रव प्रचंड पौन जल पौद्रव सात निडाट निभूत पिशाच अथवा पद्रव दुर्भिक्ष व्यापार नष्ट भवतु श्री शांति रस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्य मार्गमस्तु सर्वेषां श्री संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज परम पूज्य मुनि श्री एकनाथ नेमिसागर जी महाराज परम पूज्य मुनि श्री एकनाथ सौम्य सागर जी महाराज परम पूज्य मुनि श्री एकनाथ दुर्लभ सागर जी महाराज परम पूज्य एकनाथ संदान सागर जी महाराज तथा चतुर्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्थायी शांति धारा करता श्री प्रशांत दिव्या भरत पारस जैन परिवार मुंबई रूपचंद कमला देवी दिनेश रेखा जीवेश गंगवाल परिवार मालाड मुंबई डॉक्टर प्रेमचंद जी सरला जी सागर अंशु सारंग पाटनी एवं निकिता अंकुश पाटनी आज के पहाड़ मंदिर पर शांति धारा जिन्होंने की वे रचना संकेत एवं सौ जय श्री जय कुमार जी पाटनी तथा सुधीर मणिलाल जैन कुसुम्बा एवं प्रकाश रुखभ चंद जी कानेड़ एलोरा श्री चंद जी जैन बंगला चौक कंचन भाई पांडे तथा गौशाला परिवार हाथकरघा परिवार एवं सकल दिगंबर जैन समाज एवं गुरुकुल परिवार अक्षय जैन एवं सारिक जैन इनके स्वास्थ्य लाभ हेतु आज पुष्टि रस्तु समृद्धि रस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धि रस्तु दीर्घायुरस्तु पूर्वोत्तर सदा नान्यम सदास्तु सधर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्यस्तु ओम नम संगल्यामनुमूर्त पुरुषार्थस्य भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञे ओम ह्रीं भगवान् के मस्तकोपरि त्रयछत्र स्थापनं करोमि ओम नम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्या सरी महामुनिन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन श्रीमती कमला जैन दिनेश जैन रेखा जैन दिवेश जैन दिशा जैन गंगवाल परिवार प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर।